उत्तर प्रदेश सरकार हर वह कदम उठाएगी जिसमें चीन का बना हुआ सामान अगर उत्तर प्रदेश में आ रहा है तो उत्तर प्रदेश में उसका उपयोग नहीं होगा और ना हो, इसके लिए जो भी समीक्षा करके जो भी आवश्यक निर्णय लेना होगा आगे भी लिया जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट करके यह दावा किया है कि 48 घंटे में आगरा में 28 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई और इस ट्वीट के बाद आगरा डीएम ने एक बयान जारी करते हुए ये कहा कि ये खबर गलत है और उन्होंने प्रियंका गांधी को नोटिस भी भेजा है और कहा है कि वह अपने ट्वीट को वापस लें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं। केशव जी, प्रियंका गांधी जी ने जो आगरा को लेकर ट्वीट किया वो लगातार सवाल उठा रही हैं उत्तर प्रदेश में जो कोरोना की स्थिति है उस पर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, श्रीमती प्रियंका ट्विटर वाड्रा जी की नौटंकी, जब से कोरोना संक्रमण का संकट देश में आया है उत्तर प्रदेश को लेकर के घटिया राजनीति कर रही है। कभी वो बस के नाम पर नौटंकी करके अपने प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी को वहाँ पर धरने पर बैठा देती हैं, फिर महामारी एक्ट के कारण उनको कई दिन जेल में लगता है लेकिन ये मिलने भी नहीं जाती। अब इन्होंने आगरा को लेकर के जो बयान दिया है वह तथ्य से परे है, झूठा है, फरेब है। और मैं यह निश्चित तौर से कांग्रेसियों को कहना चाहूँगा, चाहे वो प्रियंका जी हों, चाहे उनकी मम्मी सोनिया जी हों, चाहे उनके भाई राहुल जी हों, या जो उनके और नेता हैं, चाहे कोरोना का मामला हो चाहे सीमा का मामला हो, यह परिवार पूरी तरह से जैसे कि भारत वर्ष का विपक्ष ना हो करके जैसे लगता है चीन और पाकिस्तान का सत्ता पक्ष हो गया है। तो इस प्रकार की भाषा देश अस्वीकार करता है और इन्होंने जो ट्वीट किया है और जो आगरा जिला प्रशासन ने नोटिस दी है और निश्चित तौर से अगर जवाब नहीं देंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। केशव जी, मुख्यमंत्री ऑफिस से एक पत्र भी आया है जिसमें सीएम ने खुद नाराजगी जताई है कि जो एक्चुअल मौत के आंकड़े हैं उनके सामने कुछ और प्रस्तुत किए जाते हैं और जो फीड किए जाते हैं वह कुछ और है, उन्होंने इसको ठीक करने के लिए बोला है। इसको लेकर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है, कह रही है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले छुपाए जा रहे हैं, मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रतिदिन बैठक लेते हैं और बैठक लेकर के पूरे प्रदेश की समीक्षा करते हैं और जो उन्होंने अपेक्षा की है और उसको निश्चित तौर से हर जिले के स्तर से जो निर्देश दिया गया उसका पालन होगा ही, लेकिन आंकड़ों को लेकर के जो विपक्ष सवाल कर रहा है शायद उसको इस सच्चाई का पता नहीं है। जहां कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है, जहां कांग्रेस की कृपा छाया में दिल्ली में महाराष्ट्र हो चाहे दिल्ली हो चाहे जो भी प्रदेश हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार है तो गलत है तो भी सही है, भाजपा की सरकार है तो सही है तो भी गलत है। ये दोहरी नीति, दोहरा चरित्र कांग्रेस को और उनकी जो भी महासचिव श्रीमती प्रियंका जी हैं उनको भी छोड़ना चाहिए। और जिस प्रकार की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया देश की सीमा को लेकर के और कोरोना को लेकर के, इसके लिए देश से, प्रदेश से कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष और इनके तीनों जो तिकड़ी है इनको तीनों को एक साथ माफ़ी मांगना चाहिए कि हमने सेना के बारे में गलत बोला, हमने कोरोना के बारे में गलत बोला, हमने आगरा के बारे में गलत बोला और हमने देश में जब सेवा करना चाहिए उस समय हमने लोगों को उकसाने का काम किया और इसके लिए वह निश्चित तौर से विचार करेंगे तो अपने आप को अपराधी पाएंगे। मुझे तो कभी कभी लगा करता है कि कांग्रेस इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी होकर के जैसे उसको मानसिक संतुलन ही बिगड़ा हुआ है और वह क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, क्यों बोलना चाहिए, किस मंच पर बोलना चाहिए, इसका ध्यान रखे बगैर ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि पूरे देश के अंदर एक गुस्सा है। अब सेना का मनोबल तोड़ने वाला लगातार बयान, अरे देश की सेना ने पराक्रम करके दिखाया है, चीन को छठी का दूध याद दिला दिया है, हमारी सेना सीमा पर पहुंच चुकी है, अगर वो आगे बढ़ेगा तो उसको कैसे खदेड़ करके बाहर करना है वो सारी तैयारी हो चुकी है, लेकिन जो चीजें सार्वजनिक करना चाहिए वो सार्वजनिक की जाती, जो सार्वजनिक नहीं करना चाहिए वो सार्वजनिक नहीं की जाती है। कितनी तैयारी है, अब राहुल गांधी जी वो टेलीविजन के माध्यम से पूछेंगे, अखबार के माध्यम से पूछेंगे, अरे कांग्रेस की तुम्हारी मम्मी कार्यकारी अध्यक्ष के नाते सर्वदलीय बैठक हुई, उसका हिस्सा बनी, देश का सारा विपक्ष देश के साथ है, देश की सेना के साथ है, केंद्र सरकार के साथ है और श्रीमती सोनिया गांधी जी उनके बेटी और बेटे और कांग्रेस पार्टी मतलब अलग धारा में बह रही है, तो ये चीजें नहीं चल सकती। आखिरी सवाल है, चीन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका विरोध तेज होता जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी फैसला लिया है कि जो चीन के मीटर आए हैं, बिजली के मीटर आए हैं, उनको नहीं लगाया जाएगा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो लगातार ये बात कह ही रहे हैं कि चीन का कोई भी सामान, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो घोषणा की है, स्वदेशी और स्वावलंबन की जो बात की है, उस दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है और उत्तर प्रदेश सरकार
हर वह कदम उठाएगी जिसमें चीन का बना हुआ सामान अगर उत्तर प्रदेश में आ रहा है तो उत्तर प्रदेश में उसका उपयोग नहीं होगा और ना हो, इसके लिए जो भी समीक्षा करके जो भी आवश्यक निर्णय लेना होगा आगे भी लिया जाएगा। ऊर्जा मंत्री जी ने और पावर कॉरपोरेशन ने यह निर्णय जो लेने का काम किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और मैंने भी अपने यहाँ लोक निर्माण विभाग में, निर्माण निगम में, सेतु निगम, मैंने कहा कोई चाइना का सामान तो हमारे यहाँ नहीं आ रहा, पूरी समीक्षा की है और हमने कहा कि कतई एक भी चीन का पुर्जा भी नहीं लगना चाहिए हमारे किसी डिपार्टमेंट के अंदर। तो इसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है, जनता तैयार है, केंद्र सरकार तैयार है और जो भी चीन के विरोध में इस प्रकार देश के हित में एकजुटता दिखा रहे हैं, सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए अपना समर्थन प्रकट कर रहे हैं, उन सबका अभिनंदन करता हूँ। बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस द्वारा कोरोना महामारी के समय भी राजनीति की जा रही है और सेना के शौर्य पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि चीन का विरोध सरकार लगातार करेगी और चीन द्वारा बनाए गए सामान को का उपयोग सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। लखनऊ में कैमरा पर्सन हरीश कांडपाल के साथ नीलांशु शुक्ला।